आज ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में सबसे पहले हमने पैट कमिंस की हैट्रिक देखी और उसके बाद डेविड वार्नर ने अब 50 जड़ दिया है। डेविड वार्नर जिनका ये शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है और वो आज के मुकाबले में 50 जड़ चुके हैं। 53 रन पर अभी खेल रहे हैं और डेविड वार्नर की अगर बात की जाए तो वार्नर ने ये अर्धशतक 35 गेंदों पर लगाया। डेविड वार्नर ने इस अर्धशतक में 5 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के भी लगाए, 151 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। डेविड वार्नर की अगर बात की जाए तो वार्नर शुरू में पावर प्ले में जब आए तो पावर प्ले का बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया, ट्रेविस हेड के साथ मिलकर खूब रन बटोरे, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक आया, शॉर्ट टर्म ब्रेक आया, जब बारिश हुई उसके बाद जब वापस आए तो फिर ट्रेविस हेड आउट हो गए थे, फिर मिचेल मार्श भी आउट हुए, लेकिन वार्नर एक जगह टिके रहे और फाइनली वार्नर ने अर्धशतकीय पारी खेल दी है। ये डेविड वार्नर की अगर बात करी जाए तो डेविड वार्नर ने इस अर्धशतक की मदद से ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत पक्की नींव रख दी है और अगर T20 में देखा जाए तो ये डेविड वार्नर की 28वीं हाफ सेंचुरी है। तो वार्नर ने अभी फिलहाल अर्धशतकीय पारी खेल ली है और बांग्लादेश की टीम ने जो कि 140 का लक्ष्य रखा था और अगर देखा जाए 141 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम को बनाने थे, तो वार्नर की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने आधा जो काम था वो पूरा कर लिया है। अभी थोड़ा काम और बचा है तो अब देखना होगा किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया टीम अप्रोच करती है। लेकिन डेविड वार्नर की अगर बात की जाए तो वार्नर जो कि इस विश्व कप में उतना खास नहीं कर पा रहे थे, आज लेकिन उन्होंने अपना बल्ला गरजाया है और आज उनका बल्ला खूब अच्छे से गरजा है, जिसमें उन्होंने आज 53 रनों की एक शानदार अर्धशतकीय पारी खेली, 151 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी भी की और हर गेंदबाज के खिलाफ उन्होंने शॉट्स लगाए, चाहे मेहदी हसन मिराज हों, चाहे तंजिम हसन हों, चाहे रिशाद हुसैन ही क्यों ना हो, रिशाद हुसैन जिन्होंने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की और 2 विकेट्स उन्होंने ही चटकाए, ट्रेविस हेड और अगर देखा जाए मिचेल मार्श का विकेट रिशाद हुसैन ने ही चटकाया, लेकिन रिशाद हुसैन को रिवर्स स्वीप पर चौका लगाया और उसके बाद फिर आखिर में तस्किन अहमद को एक शानदार छक्का लगाकर डेविड वार्नर ने 50 रन अपने पूरे कर लिए। और डेविड वार्नर की अगर बात की जाए तो वार्नर ने इस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरी तरीके से पकड़ बना ली है। तो अब देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले में आगे कैसे खेलती है और डेविड वार्नर जो ये अभी 53 रनों पर हैं आगे जाकर कितना बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।